सकता भी। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, जो बात रघुवान सर कह रहे हैं, ये बात अगर संजय जी कहते तो हो सकता है कि वो आप नहीं मानते और मैं भी उसमें काउंटर सवाल करता, लेकिन ये जो सत्य स्थापित किया है समाजवादी पार्टी ने, उससे तो हर कोई वाकिफ है। तो जो बदलाव वाली बात आप लोग करते हैं, बदली हुई समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, और ऐसे गंभीर आरोप में संलिप्त लोगों से मिलना जारी रहेगा, तो ये बदलता संदेश जा पाएगा क्या? क्योंकि महिला सम्मान में भी वोट मांगे गए थे मैनपुरी में, और महिला के अत्याचार का ही मामला है कानपुर में। अवधेश जी, जो कानून का काम है कानून अपना काम करेगा। अभी संजय जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को टिकट देती, खतौली में जो सीट रेक्ट हुई वो इनके विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से दंगा कराने के आरोपी पाए गए। तत्काल की बात है, विदूर की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए, पूर्व गृह राज्य मंत्री इनके रहे हैं, उनके कितने वीडियो जारी हुए, ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, अपराधियों को शरण दे रहे हैं और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे एमएलए है, कानून अपना काम करेगा। और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने का अधिकार नहीं अपने एमएलए से? नेता प्रतिपक्ष अपने एमएलए से नहीं मिल सकते? और अगर अधिकार है तो मिलने गए हैं। रति भान जी कह रहे थे पूरी समीक्षा कर दें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितने कितने अपराधियों को टिकट है, पूरा क्लियर कर दें। भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम एमएलए अपराधी कर सकता हूं, इसमें इतना वक्त नहीं है, मैं क्लियर कर सकता हूं, इसमें इतना वक्त नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोई पार्टी अपराधियों के को संरक्षण नहीं देती, कोई दूध का धुला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो तौर तरीका, मैं उस तौर तरीके की बात कर रहा हूं, जो मौजूद सवाल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कतई किसी को सर्टिफिकेट देने की बिल्कुल नहीं हूं। सर, मुझे देना चाहिए, एक यथातथ्य स्थिति है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल। और रिजवान सर, मुझे एक चीज और भी याद आ रही, 2012 में जब टिकट वितरण हो रहा था तो उस वक्त अखिलेश यादव ने भी कुछ टिकटों के वितरण पर नाराजगी जताई थी कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। और अगर आज उन्हीं अखिलेश यादव का आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक आरोप वाले लोगों से मिलने जा रहा पड़ रहा है, सवाल यही है कि जिस तरीके से इरफान सोलंकी से मुलाकात अखिलेश यादव की हो रही है, तो क्या ये सहानुभूति वाला दांव है? और इसके साथ ही साथ निकाय चुनाव पर भी हम बात कर रहे हैं मेहमानों को रोककर। संजय चौधरी जी, कीर्ति निधि जी साफ कह रहे हैं कि हमारे एमएलए हैं इरफान सोलंकी और मिलना हमारा अधिकार है, अखिलेश जी मिल सकते हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन ये बताइए कि बलवंत सिंह के मामले में अखिलेश जी तो मिलने चले गए, लेकिन आपके यहाँ से ऐसा ही बड़ा कोई नेता क्यों नहीं गया? क्योंकि कितनी गंभीर ये घटना है इसका अंदाजा तो आपको है, वो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जो मिलने की बात थी, हमारी लोकल लीडरशिप ने वहां मिली है, मिलने से ज्यादा जरूरी है कि एक्शन क्या हुआ है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना प्रभावी एक्शन लिया है, वहां के स्टेशन अफसर से लेकर जो भी कर्मचारी थे उनको वहां से मुअत्तल करते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही, इस समय वो जेल में, ये बताता है कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं तो फिर बदला क्या? कानूनी कृत्य किया है। गोरखपुर की कहानी, अगर कानपुर देहात शिफ्ट हो गई तो क्या बदला संजय जी? आप बाद में कितना भी मुआवजा दे दीजिए, जान तो चली गई ना। नहीं, जान देखिए, उस घटना के बाद सरकार ने कितनी प्रभावी कार्यवाही की, कितना क्विक एक्शन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले तो सामान्यतः प्रकाश में ही नहीं आते थे। हमने देखा है कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग लोगों की गर्दन काट कर सर जाकर मुख्यमंत्री आवास में पेश कर दिया करते थे, उसकी एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन यह इस सरकार के रसूख का मामला है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, राज्य कर्मचारियों के खिलाफ भी 24 घंटे में एक्शन होता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर उनके ऊपर होती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है कि कितनी तेज उस पर एक्शन होता है। और इसी एक्शन के खिलाफ जो लोग अपराध करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराध करने वाले को प्रमोट करते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी का चीफ उनके घर पर जाकर ऐसे लोगों को सांत्वना देता है। ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच में अप्रोच का अंतर है। और कीर्ति निधि भाई कह रहे थे कि सरकार ने आरोप लगाया,
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही इरफान सोलंकी कानपुर के अंदर मेडिकल छात्रों को लाठियों से लिटा लिटा कर पीटा करते थे। यानी कि जिसकी अपराध की लंबी दास्तान उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत में दूर दूर तक सुनाई देती है, ऐसे अपराध का सरगना जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तो सबसे पहले दौड़कर कहां जाता है, समाजवादी पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है। यानी कि संरक्षण उसे कहां से मिलता है, उसे पता है कि हमारा संरक्षण दाता तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष की राजनीति का सिरमौर है और वो उसके पास चला जाता है। और देखिए उसके बाद वो संरक्षण दाता उससे मिलने उसके घर भी आता है, जेल भी जाता है। ये बताता है कि अपराधियों के खिलाफ किसकी अप्रोच है। और वो अपराधी ऐसा है, कोई सामान्य अपराध नहीं कर रहा है, वो देश के गुप्तचरों को दस्तावेजी रूप से दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है और उनको इस देश की नागरिकता दिला रहा है, विदेश के दौरे करा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।